पंच तत्व में विलीन हुई ब्रह्मा कुमारी संस्था की मुख्य प्रशासिका दादी हृदय मोहिनी दादी का गुरुवार सुबह मुंबई में हुआ था देहावसान। दादी के पार्थिव शरीर को एयर एम्बुलेंस से लाया गया था ब्रह्मा कुमारी आबू रोड स्थित हेडक्वार्टर। देश और दुनिया में आध्यात्मिक जगत में बड़ी शख्सियत दादी हृदय मोहिनी का पार्थिव शरीर शनिवार को ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय आबू रोड स्थित शांतिवन में पंच तत्व में विलीन हो गया। हृदय मोहिनी संस्थान की मुख्य प्रशासिका थी। 94 वर्षीय दादी राजयोगिनी हृदय मोहिनी का देवलोक गमन 11 मार्च को मुंबई के सैफी अस्पताल में हुआ था। संस्थान के शांतिवन परिसर में दादी के अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर को रखा गया और देश और दुनिया से आए प्रमुख भाई बहनों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत समेत देश के कई मुख्यमंत्रियों के शोक संदेश पढ़कर सुनाए गए। इसके बाद 10 बजे मुखाग्नि दी गई। जब दादी को अंतिम विदाई और मुखाग्नि दी जा रही थी तो उस समय पूरा माहौल भावहीन हो गया। संस्था के अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका दादी रतन मोहिनी, महासचिव बी के निर्वर, कार्यकारी सचिव बी के मृत्युंजय तथा दादी की निजी सचिव रही बी के नीलू ने मुखाग्नि दी। आज 140 देशों में ब्रह्मा कुमारी संस्था आध्यात्मिकता का अलग जगा रही है और दुनिया भर में लाखों लोग राजयोग, मेडिटेशन और आध्यात्मिक जीवन को अपना रहे। 85 साल पुरानी इस आध्यात्मिक संस्था की फाउंडर मेंबर में से एक थी। संस्थान का कहना है कि दादी द्वारा दी गई शिक्षा और ईश्वरीय अनुभूति का ज्ञान हमेशा लोगों के श्रेष्ठ जीवन जीने के लिए प्रेरित करता रहेगा। दादी को दिव्य दृष्टि का वरदान था और परमात्मा की संदेशवाहक भी मानी जाती थी।